हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन। टीना किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ मलाई पिस्ता मोदक शेयर कर रही हूँ, जो बहुत ही डिलीशियस रहते हैं खाने में और जल्दी बन जाते हैं। आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लें। सबसे पहले मैंने यहाँ लिया है एक कटोरी पनीर। मैंने यहाँ 1 लीटर दूध का निकाला है, घर पर फ्रेश निकाला है। ये देखिए, इसे अच्छे से निचोड़ लिया है, इसमें पानी नहीं रहना चाहिए। छेने को अच्छे से निचोड़ लिया है। 1 कटोरी का मेजरमेंट किया है मैंने यहाँ। 1 कटोरी छेना डाल लिया है मैंने यहाँ जार में। इसी में डालेंगे हम 1 कटोरी मिल्क पाउडर, 3/4 कटोरी चीनी। यहाँ मैंने 1 कटोरी से थोड़ी कम चीनी दी है। 1/3 लिया है, 1/3 कटोरी मैंने यहाँ लिए है मलाई, फ्रेश मलाई है 1/3 कटोरी, 1/2 कटोरी से थोड़ी कम। इन सबको मिक्सर में ग्राइंड कर लेते हैं। हमें इसे 1/2 मिनट के लिए ही ग्राइंड करना है, ज़्यादा नहीं चलाना है। इसमें मलाई भी है और छेना भी है, छेना अच्छे से मिक्स हो जाए इतना ही हमें चलाना है 1/2 मिनट के लिए। मिक्सर को थोड़ा रोक रोक के चलाएं। ये देखिए अच्छे से मिल गया है। इसे एक मोटे तली वाले बर्तन में निकाल लेते हैं। चीनी के दाने आपको दिखाई दे रहे हैं, ये अभी हम इसे सिकाई करेंगे, अच्छे से मेल्ट हो जाएंगे, इसलिए हमें ज़्यादा नहीं चलाना है, 1/2 मिनट के लिए काफ़ी है। मैंने कढ़ाई को गैस पर रख लिया है। ध्यान रहे मोटे तले की कढ़ाई लें। एक बात और बता दूं मैं, अगर आपके पास मिल्क पाउडर नहीं है, अगर आपके पास खोया है तो आप 1/2 कटोरी खोया ले सकते हैं। अगर मिल्क मेड है आपके पास तो आप मिल्क पाउडर की जगह मिल्क मैड भी ले सकते हैं। इसे हमें कंटिन्यू चलाना है ऐसे। बहुत ही कम टाइम में बहुत ही अच्छी डिश बन जाती है। ऐसे हमें मिलाते रहना है जब तक ये थिक नहीं हो जाता। स्टार्टिंग में हम मीडियम फ्लेम पर ही रखेंगे गैस की फ्लेम को। मैंने यहाँ गैस की फ्लेम मीडियम ही कर रखी है अभी। लास्ट में जब ये थिक होना शुरू हो जाएगा तब हम लो फ्लेम पर कर लेंगे गैस को। देखिए काफी गाढ़ा हो रहा है। ये देखिए मीडियम फ्लेम पर पकाते हुए मुझे यहाँ 4 मिनट हो गए हैं। आप देख सकते हैं काफी गाढ़ी कंसिस्टेंसी हो गई है इसकी। थोड़ी देर के लिए लगा लेते हैं, जमने की कंसिस्टेंसी आ जाए तब तक ये कढ़ाई से, ये देखिए अपने आप से कढ़ाई छोड़ देगा। जिस तरह से ये पकना शुरू हो जाएगा वैसे ही ये चारों तरफ से कढ़ाई को छोड़ देगा, बर्तन को अपने आप से छोड़ देता है। ये देखिए काफ़ी गाढ़ा होता जा रहा है। इस तरह से मिलाते रहना है, हमें छोड़ना ही है। बहुत ही कम टाइम में बहुत ही अच्छे मोदक घर पर बना सकते हैं, स्वीट मोदक। एक तरह से ये मिठाई है। मैंने यहाँ लगातार मीडियम फ्लेम पर ही पकाया है इसे, लो फ्लेम नहीं किया है मैंने। मुझे यहाँ टोटल 8 मिनट लगे हैं। 1-2 मिनट आगे पीछे हो सकता है, आप पकाते वक्त देख लें। ये देखिए अच्छे से काफी थिक हो गया है। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे नीचे उतार लेते हैं। देख ले रहे हैं कि बिल्कुल थिक हो जाए। ये देखिए जैसे कढ़ाई भी छोड़ दी है, अलग हो रहा है ये बिल्कुल। इसी तरह से हमें कर लेना है। गैस की फ्लेम को ऑफ करने के बाद भी इसे कंटिन्यू चलाते रहें। अभी तक कढ़ाई गर्म है इसलिए। डिशी उतारने के बाद भी चलाते रहें, कढ़ाई काफी गर्म है, थोड़ा ठंडा कर लें इसे।
इसमें देखिए दो बिल्कुल हमारा ठंडा हो गया है, आप देख सकते हैं। इसे मैंने थोड़ा ठंडा करने के बाद 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख दिया था। फ्रीजर में नहीं रखना है, फ्रिज में, ताकि थोड़ा सा और अच्छे से सेट हो जाए। ये देखिए कितने अच्छे से सेट हो गया, आप देख सकते हैं। मैंने यहाँ पिस्ता लिया है, पिस्ता को मैंने कूट लिया है, देख सकते हैं बारीक कूट लिया है। पिस्ता में मैं डाल रही हूँ इलायची पाउडर, आधा चम्मच इलायची पाउडर डाल लिया है मैंने पिस्ता के चूरे में। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब थोड़ा लेगी डो, मैंने यहाँ मोल्ड लिया है, इसे ग्रीस कर लिया है घी से, मोल्ड में हम डालेंगे। आप चाहे तो इसके अंदर कोई फिलिंग भी डाल सकते हैं, जैसे ड्राई फ्रूट्स वगैरह कुछ भी, कोकोनट पाउडर, ड्राई फ्रूट्स, कोई भी फिलिंग आपको जो पसंद हो आप डाल सकते हैं। मैं बिना फिलिंग के ही बना रही हूँ, मैं सिंपल बना रही हूँ। आप गुलकंद भी डाल सकते हैं इसमें, गुलकंद का फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। ये देखिए निकाल लेंगे, इस तरह से हमें अच्छे से दबा लेना है। ये देखिए साइड का हटा देंगे, इसे खोल लेंगे इस तरह से। ये देखिए आप देख सकते हैं कितने अच्छे मोदक हमारे बन गए हैं। मोदक को हमें पिस्ता के चूरे में थोड़ा लपेट लेना है, इस तरह से इसके ऊपर डाल देंगे हम, जो पिस्ता हमने कूट के रखा है, हल्के हल्के हाथों से इस तरह से लपेट देंगे। पिस्ता मलाई मोदक हमारा रेडी है। इसी तरह से हम सभी मोदक रेडी कर लेते हैं। ये देखिए हमारे मलाई पिस्ता मोदक रेडी है, खाने में बहुत ही डिलीशियस है और जल्दी बन जाते हैं। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कर लें न्यू मोर रेसिपीज के लिए। हम जल्द एक न्यू रेसिपी के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।